हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज। आज हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ये वह काल था जब लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में जो छोटे छोटे परिवर्तन हुए वो सदियों तक चले। इस काल में अभिभूत ढांचे की प्रमुख विशेषताएं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबीलई संरचना और वर्ण व्यवस्था का जन्म तथा क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय। तो इस वीडियो में जानते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। उत्तर वैदिक काल भारतीय इतिहास में उस काल को कहते हैं जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यों और उपनिषदों की रचना हुई। इस काल की विशेषता थी कि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे तथा थालियों का प्रयोग करते थे। वे लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गांधार में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। वहां कब्र में मृतकों के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी के मध्य माना जाता है और इसी के आसपास लोहे का उपयोग गंगा यमुना दोआब में होने लगा था। उत्तरी दोआब में चित्रित धूसर बर्तनों के 700 स्थल मिले हैं जिसमें अब तक 4 की खुदाई हुई है। अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, हस्तिनापुर, नोह, इनमें अभी तक खुदाई हुई है। अभी तक उत्खनन में केवल अतरंजी खेड़ा से ही लोहे के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस्क और कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब जानते हैं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के बारे में। इस काल में छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े क्षेत्रगत जनपदों में परिवर्तित हो गए थे। जैसे पुरु और भरत मिलकर कुरु और तुवर्स और क्रीवी मिलकर पांचाल कहलाए। उत्तर वैदिक काल में विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब तक वे लोग लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का प्रयोग जान गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन तंत्र के आधार थे और कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिले हैं। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। इस काल में राजा का महत्व पहले के अपेक्षा बढ़ गया था और शक्तियों में भी विस्तार हुआ था। अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। इस काल में कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय भी अर्थव्यवस्था के अन्य विशेषताएं थीं। इन विभिन्न व्यवस्थाओं के अनेक विवरण हमें पुरुष मेघ के विवेचन में मिलते हैं, जिनमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुम्हार, व्यापारी आदि के उल्लेख मिलते हैं। इस काल में कर व्यवस्था का विस्तार हुआ और नियमित कर दिया जाने लगा। सेना की संख्या में वृद्धि हुई लेकिन अभी तक पूरी तरह से स्थायी नहीं हुई थी। न्याय व्यवस्था में भी अभी तक ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था। अब जानते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। विकास की दृष्टि से ये यही काल है जब उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हुआ। लोहे ने तत्काल ही ताम्र काश्य का स्थान नहीं ले लिया था, फिर भी यह विकास एक ऐसा कदम था जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने की क्षमता थी। लोहे का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्यों में मिलता है। लोह का प्रयोग आरंभ में युद्धास्त्र के लिए किया जाता था, फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में होने लगा। इस काल का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। इस काल में उद्योग व व्यापार में विकास हुआ। इसमें विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं। इस काल में अभी तक मुद्रा की खोज नहीं हुई थी जिससे वस्तु विनिमय का ही प्रचलन था और आर्थिक प्रगति से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था। अब जानते हैं सामाजिक जीवन के बारे में।
समाज स्पष्टतः वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, अर्थात वर्ग जन्म के आधार पर बटे थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है गौधन एकत्र करना। इस काल में एक नई व्यवस्था की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इसे चार भागों में बांटा गया था, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक माना जाता है, इसमें शिक्षा सीखने का समय होता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, इसका समय 25 से 50 वर्ष के मध्य माना जाता है, इस आश्रम को सभी में श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा वानप्रस्थ, इसे 50 से 75 वर्ष के मध्य माना गया है। और चौथा संन्यास, जिसका समय 75 से 100 वर्ष के मध्य है। ऋग वैदिक काल की महिलाओं की तुलना में इस काल में महिलाओं के स्थान में गिरावट आ गई थी। इस काल में स्त्रियों को सभा व समितियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और शिक्षा प्राप्त करने की भी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। इस काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे अन्य प्रथाओं की शुरुआत हो गई थी, लेकिन विधवा विवाह की इजाज़त थी और भोजन का व्यापक रूप से विस्तार हुआ था। मनोरंजन के साधन में खेल प्रतियोगिताएं, घुड़दौड़, संगीत, तलवारबाजी होते थे। अब जानते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। इस काल के लोगों की धार्मिक आस्थाएं एवं गतिविधियां भौतिक पृष्ठभूमि से कुछ कम प्रभावित नहीं थी। इस युग में एक ओर पोषित यज्ञ अनुष्ठान एवं कर्म कांडी व्यवस्था थी, तो दूसरी ओर इसके विरुद्ध उठाई गई उपनिषदों की आवाज़। इस काल में दो प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में वर पक्ष उच्च वर्ण का होता था और स्त्री पक्ष निम्न वर्ग की, और प्रतिलोम विवाह में स्त्री पक्ष उच्च वर्ग का और वर पक्ष निम्न वर्ग का होता था। इस काल में कई महत्वपूर्ण यज्ञ भी किए जाते थे, जैसे राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु किया जाता था, जब राजा बनने का समय आता था। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ, ये राज्य विस्तार के समय किया जाता था। और तीसरा वाजपेय यज्ञ, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। उस समय यज्ञ में और कर्मकांड में बलि देने की प्रधानता होती थी। अब जानते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में। इस काल के प्रमुख देवता प्रजापति को माना जाता था। इन्हें सृष्टि के रचनाकार के रूप में पूजा जाता था। और दूसरे विष्णु भगवान, इनका कार्य पोषण और रक्षक के रूप में था। रुद्र भगवान, इन्हें पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता था। वरुण भगवान को जल के देवता, पूषण को शूद्रों के देवता के रूप में और पशुओं के साथ पूजा जाता था। तो ये थी उत्तर वैदिक काल से जुड़ी प्रमुख बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।